इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है। अगर मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को काफी सारा कमेंट्स आता है कि मनोज भाई मैं काफी दिनों से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, काफी आता है, पर डे वीडियो बनाता है, थंबनेल बहुत डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, बोलने का तरीका इंप्रूव कर रहा है। सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? सो गाइस मेरा नाम है कास। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आपके पास जब कुछ ताकत ना रहे तो आप अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बना लो। गाइज आज का इस वीडियो से मैं आप लोग को बताऊंगा मेरा गरीबी मेरा पावर। गाइज इस वीडियो को लाने का क्या मकसद है मेरा, ये आप लोग को वीडियो में आगे मालूम चलेगा। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या आप लोग मनोज दे भाई को जानते हो, जो कि गाइज एक सीढ़ी का कोना से लेकर के एक मतलब फर्श से लेकर अर्श तक गए। उनका आप लोग गरीबी देखे हो? बोलोगे हाँ कार्तिक भाई देखे हैं। क्यों देखे हो? क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि वो सीढ़ी का कोना से एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जो कि गाइस 1.5-2 मिलियन तक व्यूज जाता है और लोगों को मालूम चलता है। लेकिन गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग को ऐसा और जो क्रिएटर है जिनके बारे में आप लोग को कुछ मालूम ही नहीं चलता क्योंकि उनका वीडियो नहीं है। और गाइज ऐसे भी क्रिएटर आते हैं जिनका की गाइज वही सेम कंडीशन है आज के भी डेट में, और मेरा एक ही मकसद है इस वीडियो को लाना कि उस क्रिएटर के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए जो कि गाइज एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और यूट्यूब पर अपना करियर जमाने का सोच रहे हैं। गाइज हो सके कि मेरा जितना भी ऑडियंस है 50% बंदा एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता है और बाकी जो 50% बंदा है उनका स्टेटस थोड़ा बहुत अच्छा है। गाइज आप लोग को मैं बताऊं कि बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, लाइक मान लो आप लोग यूट्यूबर पीडी, वीके का टेक, वीके टेक्निकल भैया, विकास प्रजापति, ऐसे करके गाइज ऐसे बहुत से क्रिएटर हैं जिनका कि गाइज एक स्टेटस मिडिल क्लास फैमिली ही है। यहाँ तक कि गाइज आप लोग मुझे भी ले सकते हो। अब गाइज मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ कि मनोज भाई के पास तो यहाँ तक की एक सीढ़ी का कोना था जिससे कि गाइज मनोज भाई वीडियो तक शूट करते थे। गाइज मैं आप लोग को अपना स्टोरी बताऊं तो मेरे पास एक सीढ़ी का कोना भी नसीब नहीं था, यहाँ तक कि मैं लकड़ी का सीढ़ी से भाई अपना जो एक ऊपर छत हुआ करता था वहां पर मैं चढ़ता था, वहां से मैं वीडियो बनाता था। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा गाइज आप लोग को यूट्यूब का पावर। और गाइज इस वीडियो को लाने का एक ही मकसद है कि जितने भी हमारे क्रिएटर भाई आज के डेट पर सोचते हैं कि हमारे पास तो भाई कुछ है ही नहीं, भाई बिल्कुल आपके तरह मेरा कुछ ऐसा सीन था, लेकिन गाइज बोलते हैं कि अपना गरीबी को अपना पावर बना लो। गाइज अगर आपके पास ट्राइपॉड खरीदने के पैसे नहीं है, माइक खरीदने के पैसे नहीं है, मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं है, ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो एक मोबाइल से ही देख रहे हो। और माइक और ट्राइपॉड अगर खरीदने का पैसा नहीं है तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे पास ट्राइपॉड तक खरीदने के पैसे नहीं थे जिसका प्राइस है 300-400 रुपया। गाइज मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया एक पिचकारी, जो पिचकारी होता था, आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो उठा करके देखना आप लोग को मालूम चलेगा, उसको कट करके मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, उसको कट करके मैंने ट्राइपॉड बनाया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, 6 महीने तक लगातार वीडियो बनाया और तब जाकर के मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। अब गाइज यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ उन क्रिएटर्स को, जो क्रिएटर्स कभी डिमोटिवेट हो करके आज तक यूट्यूब पर कदम ही नहीं रखे और जितने भी कदम रखे वो 100-200 व्यूज में ही भाग गए। तो गाइज मैं आप लोग को एक चीज बहुत बड़ा फैक्ट बताना चाहता हूँ कि क्या दोस्तों आप लोग जो सोचते हो कि नहीं आपका करियर नहीं बन सकता यूट्यूब पर कुछ वीडियो डालने के बाद, ये आप लोग सोचते क्यों हो और ये थॉट आता क्यों, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। फर्स्ट थॉट आप लोग का इसलिए आता है क्योंकि आपके वीडियो पर 100-200 व्यूज आता है और आप लोग जो अपने इंस्पिरेशन वाले यूट्यूबर को देखते हो उनका जब व्यूज देखते हो तब आप लोग 1-2 लाखों में देखते हो। तो गाइस मैं आप लोग को एक सच्चाई बता दूं, आप लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते हो कि जब वो क्रिएटर भी स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग डेट पर तो गाइस उस क्रिएटर का भी व्यूज 100-200 ही आया होगा। यहाँ तक कि गाइस आप लोग मनोज भाई को ही देख लेना, 4-5 साल तक उनका चैनल ही स्टेबलाइज्ड नहीं था जबकि 100-200-400-500 व्यूज पर उन्होंने काम किया, यहाँ तक कि उनका चैनल तक बंद हो गया। गाइस ऐसा मोटिवेशन लाओ ना कि 100-200 भी आपका व्यूज जो आ रहा है ना वही बहुत बड़ा बात है एक स्टार्टिंग चैनल पर आना। जैसे मैंने वीडियो के फर्स्ट में नाम लिया कुछ क्रिएटर्स का, जैसे कि छोटे मोटे और भी जितने हमारे भाई हैं क्रिएटर्स, गाइज इनका भी स्टेटस एक वैसा ही था लेकिन आज के डेट पर किसी ने कैमरा ले रखा अपना यूट्यूब के पैसों से, किसी ने यूट्यूब सेटअप बना रखा है, किसी ने अपना कंप्यूटर ले रखा है, एकदम ड्रीम पीसी ले रखा है। तो भाई आप लोग को भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर खाली आप लोग सोच रहे हो तो भाई सोचते रह जाओगे और ये आपका बहुत बड़ा एक हार का कारण बनेगा। तो इसलिए गाइज सोचो मत, आप लोग ये मत देखो कि अभी रिसेंटली वर्तमान में क्या क्रिएटर के पास है, गाइज आप लोग उनका थोड़ा पास्ट में जाओ और वो देखो कि क्या था उनके पास और क्या रिस्पॉन्स आता था उनको। जब आप लोग वो चीज देखोगे तब आप लोग को मालूम चलेगा। गाइज अगर आप लोग को सक्सेस करना है लाइफ पर तो ARA को फॉलो करना, ठीक है, ARA मतलब अटेंशन रिसर्च एंड एक्शन,
उसके बाद देखना गाइस आपके लाइफ में बहुत से ऐसे चेंजेस होने लगेंगे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो और भी मस्त लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।